अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। चलें जी, हम एक और नई कहानी के साथ आपके पास आए हैं और आज हमारी कहानी का नाम है अबू जहल मलून की घिनौनी तजवीज़। नाम से अंदाज़ा हो गया है, बहुत ही इंटेलिजेंट से बच्चे हैं हमारे पास कहानी सुनने वाले। अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलें जी बच्चों, हम कहानी शुरू करते हैं मदीना मुनव्वरा के सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के महफूज निकल जाने पर मक्का के काफिरों तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गए और उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। बात जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो अल्लाह ताला की जानिब से मंजूरी मिलने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाने की इजाज़त दे दी। मुसलमानों का एक छोटा सा काफिला बहुत एहतियात और ख़ामोशी से मदीना रवाना हो गया, जहाँ के मुसलमानों ने अपने इन मुसलमान भाइयों का बड़ी खुशी खुशी इस्तकबाल किया। अब वो बिल्कुल महफूज और मामून थे। मक्का के काफरों को मुसलमानों की हिजरत का इल्म हो गया, वो खुफिया तौर पर इन पर नज़र रखने लगे। मुसलमानों का दूसरा काफला मदीना से निकला और अभी रास्ते ही में था कि काफरों ने इस पर हमला कर दिया। कुछ सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ज़ख्मी हो गए, मगर काफला जैसे तैसे मदीना पहुँच ही गया। काफरों ने अब ये सारा गुस्सा मक्का मुकरमा में मौजूद मुसलमानों को उतारा, इन्हें कैद में डाला गया और तरह तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बावजूद अक्सर मुसलमान लुटे पटे हाल में मदीना पहुंच गए। प्यारे बच्चों, मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हुम समेत बहुत थोड़े मुसलमान रह गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से मदीना हिजरत के हुक्म का इंतज़ार था। दूसरी तरफ काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को हिजरत से रोकने का मंसूबा बना रहे थे। इस दौरान अबू जहल मलून ने एक इंतहाई घिनौनी तजवीज़ पेश की, जो सब ने इत्तफाक़ से मंजूर कर ली। तजवीज़ ये थी कि हर कबीले के चंद मुंतखब नौजवान मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्ला कत्ल कर दें। यूँ इनके कत्ल की जिम्मेदारी किसी एक कबीले पर नहीं आएगी, हर कबीले की तरफ से खून बहा देने से मामला रफा दफा हो जाएगा। लें जी प्यारे बच्चों, हमारी ये मुख्तसर सी कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई और इस कहानी का सिलसिला नई कहानी के साथ जुड़ा होगा। यकीनन आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। क्यों नहीं पसंद आएगी? हमारे नबी की बातें, उनके दोस्तों की बातें आपको तो बहुत ही पसंद आएगी। अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। हम एक नई कहानी के साथ आपके पास आएंगे, तब तक हमें दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।